नमस्कार, बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंडोनेशिया से आएगा 2.5 गुना महंगा कोयला, 20 मई से शुरू होगी आवक, संकट होगा कम। बीएसपी पार्टी के सदस्यों ने की संजय ताजने को पद से निष्कासित करने की मांग। संजय ताजने के विरोध में कई दिनों से चल रहा है आंदोलन। नागपुर में कपड़ों की दुकान में हुई चोरी, 1 लाख का माल लेकर आरोपी फरार। अब खबरें विस्तार से। कोयले की भीषण किल्लत की वजह से बिजली संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र को इंडोनेशिया से 20 लाख मीट्रिक टन कोयला हासिल होगा। महाजेनको की निविदा को मंजूरी देते हुए इंडोनेशिया ने 20 मई से आपूर्ति देने का फैसला किया है। बहरहाल आयातित कोयला देसी कोयले के मुताबिक 2.5 गुना से अधिक महंगा है। कोयले की किल्लत की वजह से महाराष्ट्र के सभी ताप बिजली केंद्र ऑक्सीजन में है। बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ साथ मानसून के लिए स्टॉक तैयार करने की दोहरी जवाबदारी है। हालांकि रेलवे के पास खाली रैक की उपलब्धता बढ़ने से कोयला आवक में सुधार हुआ है। पहले जहां 25 रैक कोयला आ रहा है, वही आज इनकी संख्या बढ़कर 30 हो गई है। बहरहाल आवक बढ़ने के बाद भी बिजली संयंत्रों में कोयले के स्टॉक की स्थिति अति संवेदनशील बनी हुई है। इस बीच महाजेनको ने इंडोनेशिया से 20 लाख मीट्रिक टन कोयला हासिल करने में सफलता हासिल की है। महाजेनको के अनुसार केंद्र सरकार ने कोयला की कुल खपत का 10% आयात करने की अनुमति दी थी। इसके तहत वह इंडोनेशिया से 20 लाख मीट्रिक टन कोयला लेगा। पहले वर्ष उसे 10 लाख मीट्रिक टन कोयला मिलेगा। बरसात में समस्या बढ़ने पर वह कंपनी से और कोयला लेंगे, अन्यथा वर्ष 2023-24 में शेष 10 लाख मीट्रिक कोयला लेगी। अगर जरूरत नहीं पड़ी तो यह कोयला नहीं लिया जाएगा। नागलवाड़ी वारधामना क्षेत्र में रॉकेट अगरबत्ती कंपनी के एक कारखाने में भीषण आग लग गई। यह आग शॉर्ट सर्किट से लगने की संभावनाएं जताई जा रही है, लेकिन सौभाग्य से कोई जीवित हानि नहीं हुई है। हिंगना पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई है और पुलिस घटना की कार्यवाही कर रही है। वीकेबी न्यूज के लिए ऐश्वर्या शिंदे के साथ रोशन बोकड़े, नागपुर। सिंधु महाविद्यालय के एक लेक्चरर के खिलाफ थाने में छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि फेल करने की धमकी देकर उसने छात्रा से शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। घटना के उजागर होने पर गुस्साए विद्यार्थियों और पालकों ने पाचपावली थाने का घेराव कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस के अनुसार आरोपी राकेश गेडम पाचपावली स्थित सिंधु महाविद्यालय में बतौर विभाग प्रमुख है। शिकायत में 19 वर्षीय छात्रा ने बताया कि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वह जब भी राकेश के संपर्क में आई, तब राकेश ने उसे बार बार स्पर्श किया, विरोध करने पर फेल करने की धमकी देता था। छात्रा ने यह बात कॉलेज के ही अली नामक लेक्चरर को बताई तो उसने खुद इस बारे में प्रिंसिपल से बात करने का आश्वासन दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पीड़िता के अलावा अन्य छात्रों पर भी राकेश ने बुरी नज़र डाली है। बदनामी तथा फेल होने के डर से किसी ने इसकी शिकायत नहीं की। पिकनिक के दौरान राकेश ने कॉलेज के कुछ विद्यार्थियों से कॉलेज की ही किसी लड़की की मांग की थी। राकेश के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। राकेश गेड़म सर, वो हमारे HOD है और हमें फर्स्ट ईयर वाले है, और वो हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं हर बात के लिए। हमको धमकी देते हैं कि तुम अगर तुमको पास होना है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास क्या मतलब मेरा क्या फ़ायदा है, बोलते हैं कि तुम लोग अगर तुमको पास होना हो और तो तुमको तुम मतलब मेरा क्या फ़ायदा, मैं तुमको किस हिस्से पास करूँ, बोलते हैं, और क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए, ये सब हमको फर्स्ट ईयर वालों को बोलते हैं। हमको तो सर लगता था कि सर मतलब सर के इसके हम लोग उनको कुछ बोलते मतलब कुछ रिएक्शन ही नहीं कर पाते थे सर के इससे। गलत करते थे तो टच वच करते थे सर, तो हम लोग उनसे इग्नोर करते थे सर को, तो सर हमको पूरी क्लास के सामने वैसे बदनाम करते थे, स्पेशली लड़कियों को। नहीं, हम नहीं कर पा सकते थे क्योंकि पेरेंट्स हमको अलाउ नहीं करेंगे ना फिर, क्योंकि हम लोग गर्ल्स हैं, हमको तो डायरेक्ट बोलेंगे तुम घर के काम करो, क्यों कॉलेज जा रहे हो अगर तुम्हारे से ये सब हो रहा है तो, इसीलिए हम घर पर नहीं बता सकते थे। और कॉलेज वाले फिर हम लोग को बोलते कि तुम मतलब
ऐसा मतलब हमने जब भी कंप्लेंट दर्ज की तो कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि अब आप लोग बोलते हैं कॉलेज का नाम ये होगा, आप इंटरनली ये सॉल्व करो, और अभी वो लोग बोल रहे हैं कि हमको मत सिखा। कॉलेज के इस सब से भी पूरे वादक में कोई सर और या कोई मैडम आप लोगों के साथ में है कि नहीं है? फीमेल फैकल्टी हमको बोले कि हम आपके साथ में है, पर हमारे डिपार्टमेंट के सिर्फ अली सर हमको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अभी उनके ऊपर ही केस डाल दिए, जिसको ढूंढना चाहिए उसको छोड़ के हमारे सर के ऊपर जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं उसी के ऊपर इल्जाम लगा दिए। और क्या लड़कियों सामने आई है, क्या बताया? हम कॉलेज में आते पढ़ने के लिए, बस साले प्रोफेसर अगर ऐसे हो ना तो बच्चा पढ़ने के बजाय ना कि और ही उसका माइंड भटक जाता है। मजबूरी एक तो हम पहले ही तंग होते हैं अपने प्रैक्टिकल से, इससे असाइनमेंट ये तो पीए पहले सबमिट करना पड़ता है, ऊपर से अगर सर ऐसे कारनामे करेगा तो ऑब्वियसली अभी लड़कियां तो कुछ बोलेगी नहीं, अभी हमको तो बोलना ही पड़ेगा ना, अभी तो हमारी बहनें जैसी है। दूसरे लोग क्या उनको नजर से देखते हो हमको लेना देने, लेकिन हम उनके बारे में क्या सोचते हैं मेन थिंग ये होती है। सो हमारा वही मांग है कि राकेश को पकड़ो और उसको हमें कहीं पे भी नहीं चाहिए, उसका लाइसेंस कैंसिल करो, और वो नागपुर के पूरे दुनिया के किसी स्कूल में अपनी ओन ट्यूशन खोलने के तक लायक ना रहे। एचओडी है वो, हम तो चाहे उसको मार भी सकते थे लेकिन हमने उसकी उम्र का लिहाज करते हुए, हमारा टीचर है लेकिन हमने फिर भी पुलिस वाले ने तो हमको धक्के दे के मार दिया, ये हमारे दोस्त को तो यहाँ से गले पकड़ पकड़ के भगा रहे हो, तो फ्रेंड्स को हमारे बोल रहे एक्शन लेंगे कुछ कर तो नहीं रहे। सीएस डिपार्टमेंट फाइनल ईयर सिंधु महाविद्यालय। बिल्कुल ये सब बात सही है, और राकेश गीता हम सबको परेशान करके रखता था, वो एक बार सब पिकनिक में गए थे उनको भी ये बात बोला था कि मुझे लड़की जमा दो करके, मैं सबको पास कर दूंगा पूरा फाइनल ईयर वगैरह सब निकाल के दूंगा करके। इसी के साथ साथ राहुल मिश्रम भी है, वो भी लड़कियों को हरास करता था, वो लड़की अच्छी दिख रही है उसे बुला ले, लाइफ में बुला ले, उससे गंदी गंदी चैट्स करता था, डबल मीनिंग बातें करता था, उसके स्क्रीनशॉट्स भी है, उसके सारे प्रूफ भी है सभी के पास। बहुजन समाज पार्टी का अंतर्गत कलह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछले कई दिनों से बसपा कार्यकर्ता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष संजय ताजने के इस्तीफे के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलक सदस्यों का कहना है कि संजय ताजने पार्टी और जनता का विकास तो दूर, लेकिन जो नगर सेवक अपने अपने क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं उन्हें पद दिलाने के लिए लाखों रुपयों की मांग करते हैं। यही नहीं बल्कि उनके भाषण के समय आने वाली भीड़ भी पैसे देकर बुलवाई जाती है, वह सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। उन्हें पार्टी और जनता के विकास और परेशानियों से कोई मतलब नहीं, ऐसा पार्टी में कार्यरत नगर सेविकाओं का कहना है। संजय ताजने पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की छवि मलिन करने का भी आरोप लगाया गया है। मैं मंगला योगेश लांजेवार प्रभाग 7 की नगर सेविका माजी नगर सेविका हूँ, और मुझे बहुत ही तकलीफ हुई है ताजने जी से, हर बार पैसे की मांग किया है। मैं सभापति का पद भी मांग रही थी तो भी मुझे 2 लाख का ऑफर मांगा था, मैंने नहीं दिया और वो पद किसी और को दिया, और हर बार फ़ोन करके बोलते थे इतने पैसे दे उतने पैसे दे, यानी पद चाहिए तो पैसे दे नहीं तो कुछ नहीं होगा। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मिशन को आगे बढ़ाना है, क्या चल रहा है, कैसे किया जाएगा, या बहुत सारे दूसरे पार्टी में जा रहे हैं उसको खींच के इधर लाओ, ऐसा कोई विचार नहीं था। और टोटली ये पैसे के पीछे है और पैसा ही चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, मिशन से कोई उसको लेना देना नहीं है। जिसको पद मिला है सभापति पद, उनके पास से भी पैसे लिए गए थे? हाँ बिल्कुल, उससे 3 लाख लेकिन लिए हैं, 3 लाख उसको पहले नहीं चांदीगढ़ को दिया है, पहले भी उसको पद मिला था, उसने 3 लाख दिए, उसको दोबारा पद दिया गया। घोड़ेश्वर जी को गठन नेता बनाया गया है तो क्या उसके लिए भी पैसा दिया गया है? हाँ बिल्कुल दिया गया है, बिना पद के बिना पैसे से कोई पद नहीं मिलता यहाँ पे, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो स्टैंडिंग हो कुछ भी हो, पैसे के बिना कुछ नहीं होता है, पैसे ही पहले पहुँचाने पड़ते हैं उसको, तभी होता है। तो आप विरोध कर रहे लगातार इतने दिनों से, आंदोलन कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है वरिष्ठ नेताओं की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर, तो भी क्या करोगे आप? आंदोलन जारी रखोगे? आंदोलन बिल्कुल जारी रखेंगे जब तक वो उसका पद नहीं नीचे गिरता है, उसको पद से जब तक हटाए नहीं जाएंगे तब तक आंदोलन करते रहेंगे। आपका ये जो मैसेज है हम चाहते हैं कि ये मैसेज जो संदीप ताजने जो है हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष माने जाते हैं तो उनको यहाँ से हटाया जाए, और उनको जब ही हटाएंगे तभी हमारी बहुजन पार्टी सुरक्षित रहेंगी, हमारा मिशन सुरक्षित रहेगा, हमारा मिशन कामयाब होगा और हम आगे जाएंगे। नाम माजा नाम
सॉरी मेरा नाम विरंका मुरलीधर बिवगड़े, माजी नगर सेविका प्रभाग 7। मैं बहुजन समाज पार्टी की नगर सेविका ममता महसारे प्रभाग क्रमांक 9 से। मैं 2-2.5 साल हो गए बाहर निकल रही हूँ, प्रभाग में दौरा कर रही हूँ। इस वजह से मुझे बहुत से ऐसे कार्यकर्ता है कि जो जिन्होंने बहुत अफसोस किया है कि ताई तो लेडीज़ है मेरी बहुत सारी फ्रेंड जिनको इंटरेस्ट है इस बात में कि हम बहुजन समाज पार्टी में कार्य करें और मिशन आगे ले जाए, लेकिन उन्होंने बताया कि हर कार्यक्रम के लिए उन्होंने कार्यक्रम में अटेंडेंस दिखाने के लिए भी उन्होंने पैसे मांग के गर्दी दिखाते हैं, और वैसे वजह जिसने पैसा नहीं दिया उनको कुछ महत्व नहीं दिया जाता है। और मैं 5 साल से नगर सेविका हूँ बहुजन समाज पार्टी से। मेरे हस्बैंड बहुत कर्तव्य निष्ठ है बहुजन समाज पार्टी से, उनको पैसों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, वो कार्य में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो इस वजह से उन्होंने पैसे नहीं दिया, सिंसियरली रखी अपनी। तो आज तक 5 साल में मुझे कोई पद दिया नहीं गया क्योंकि हमने उनको पैसा नहीं दिया इसलिए। और 2.5 साल से मैं देख रही हूँ, और मैं ये पद भी जो मुझे मिला है वो सब कार्यकर्ता के वजह से मिलता है, क्योंकि मैंने प्रचार के टाइम बहुत देखा है कि उन्होंने बहुत धूप छाव में घूम घूम के हमारे लिए प्रचार करते, इसलिए सबसे बड़ा श्रेय है उनका है। और आज उनको ही निकाल दिया है जो कर्तव्य निष्ठ कार्यकर्ता है, और पैसों वालों को ऐड कर दिया है, ये बहुत गलत बात है। मैं 2.5 साल से घूम रही हूँ, तो ये बहुत से ऐसे मुझे वहाँ पता चला है कि ऐसे पैसे खा के पद दिया जाता है ताई, हमको भी कार्य करना है। और मैं चाहती हूँ कि बहन जी, सम्मानीय बहन जी और सिद्धार्थ साहब से विनंती करती हूँ कि हमारे इस आंदोलन को पूरा न्याय मिलना चाहिए, यही अपेक्षा है। धन्यवाद। देखिए ये कैसा है कि ये बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लेकिन जो वाशिम का जो जिक्र आप कर रहे हैं, तो वाशिम में जो भीड़ बुलाई गई है, नहीं संदीप ताजने का चेहरा देख के नहीं बुलाई गई है, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा देख के नहीं बुलाई गई है, वो बहन जी का चेहरा है। लेकिन संदीप ताजने ने वहाँ पे एक गायक को बुलाया जो महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, जो अन्वीकर जी, उनके नाम से बुलाया है। देखिए आप बैनर अगर वहाँ के देखोगे तो सबसे बड़ा फोटो अन्वीकर का है, और अन्वीकर को वहाँ पे बुला के लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव राम जी अम्बेडकर जी ने पैसों को महत्व दिया है। मुझे बताओ अन्वीकर जी कि बाबा साहब ने ऐसे कौन से किताब में आपने पढ़े हैं कि बाबा साहब ने पैसों को महत्व दिया है? बाबा साहब ने तो शिक्षा को महत्व दिया है, कलम को महत्व दिया है, कलम की ताकत आज दुनिया देख रही है बाबा साहब ने जो दिखाई है। तो मुझे तो नहीं लगता कि बाबा साहब ने कभी पैसों को महत्व दिया होगा। अगर बाबा साहब ने अगर पैसों को महत्व दिया होता तो हम और तुम आज यहाँ पे खड़े नहीं रहते थे, ना तुम गाना गाते सकते थे, ना हम पार्टी में काम कर सकते थे, क्योंकि हमें तो अधिकार ही नहीं था। इसलिए मैं ये बात का निषेध करता हूँ कि जो आपने कहा है इसमें, इस गाने के ऊपर आपने समाज के साथ माफ़ी मांगना चाहिए और समाज को बताना चाहिए कि बाबा साहब ने कभी पैसों को महत्व नहीं दिया। पैसों को महत्व तो संदीप ताज ने दे रहे हैं, पैसों को महत्व संदीप ताज ने दे रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, बंगला ले रहे हैं, गाड़ी और बंगला जो है वो कार्यकर्ताओं के पैसों से ले रहे हैं, वो अपने खुद के पैसों से नहीं ले रहे हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष बनने के थे तो उनके घर में रहने के लिए जगह नहीं थी, दरवाजा नहीं था, लेकिन आज बड़ा बंगला बन गया है, बंगले के सामने घोड़ा खड़ा है, एक फॉर्चूनर 50 लाख की गाड़ी खड़ी है। तो माननीय बहन जी से हम यही विनंती करते हैं कि बहन जी, ये संदीप ताजने जी जो है महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं को, BSP को और आपको धोखा दे रहा है, महापुरुषों के मिशन को धोखा दे रहा है। तो माननीय बहन जी, आप महाराष्ट्र के ऊपर ध्यान देके जल्द से जल्द हम आपसे विनती करते हैं कि महाराष्ट्र में ये संदीप ताजने जी के ऊपर एक्शन लिया जाए, और साथ ही हमारे जो प्रभारी जो आए हैं महाराष्ट्र में उनसे भी हम विनती करते हैं कि ये संदीप ताजने के ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। मैं अमित बागेश्वर, नागपुर जिला महासचिव। खबरों के सिलसिले में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नागपुर महानगर पालिका की ओर से राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के जमनालाल बजाज प्रशासकीय इमारत परिसर में 8000 वृक्षों का रोपण करके वन आच्छादन किया जाएगा। इस वृक्षारोपण कार्य का शुभारंभ शनिवार को विद्यापीठ के कुलगुरु श्री सुभाष चौधरी व मनपा आयुक्त तथा प्रशासक श्री राधा कृष्णन बी के हस्ते हुआ। इस समय मनपा के अतिरिक्त आयुक्त श्री दीपक कुमार मीना, विद्यापीठ के कुलगुरु श्री संजय दुधे, कुल सचिव श्री राजू हिवसे, मनपा के उपायुक्त श्री रविन्द्र भेलावे, उद्यान अधीक्षक श्री अमोल चौरपगार, विद्यापीठ के ज्ञान स्रोत विभाग के संचालक डॉक्टर विजय खंडार, विज्ञान व तंत्र ज्ञान विभाग के अधिष्ठाता डॉक्टर माहेश्वरी, वाणिज्य विभाग के अधिष्ठाता डॉक्टर संजय कविश्वर, डॉक्टर दत्तात्रय वाटमोड़े, मानव विज्ञान विभाग के अधिष्ठाता डॉक्टर राजश्री वैष्णव, इनके साथ विविध विभाग के विभाग प्रमुख उपस्थित थे। सांगली जिले के पलूस की यात्रा में हुई बैलगाड़ी प्रतियोगिता में संतुलन बिगड़ने की वजह से 3 लोगों के ऊपर से बैलगाड़ी गुजरने से वह जख्मी हो गए। जख्मी लोगों को पलूस में स्थित शासकीय ग्रामीण रुग्णालय में ले जाकर प्रथमोपचार किया गया। घटना के समय यह तरुण आगे गई बैलगाड़ी को देखने और उसका चित्रीकरण करने में व्यस्त थे। सौभाग्य से कोई भी व्यक्ति गंभीर जख्मी नहीं हुआ। पलूस में हुई इस बैलगाड़ी स्पर्धा का आयोजन धोंडीराज महाराज यात्रा के अवसर पर किया गया था। नागपुर में चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। नागपुर के पाचपावली क्षेत्र में देर रात चोरों ने अनेक दुकानों का शटर तोड़ने का प्रयास किया और एक कपड़ों की दुकान में घुसकर 1,00,000 रुपयों के माल की चोरी को अंजाम दिया। ऐसी जानकारी दुकान के मालिक गौरव वधुने ने दी। चोरी की घटना CCTV में कैद हो गई। इस संदर्भ में पाचपावली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर दिया गया है। पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। मेरा नाम गौरव है। कहाँ पे अपनी शॉप है? अपनी शॉप इतवारी में, भारत माता चौक बाजीराव गली में, RB ओजरी नाम से है। CCTV में 3 लोग नजर आ रहे हैं और करीबन 4 बजे का टाइमिंग है वो। हाँ, सुबह 4 बजे। नहीं, ये पूरा होजरी का मर रहता अभी अपने तरफ। हाँ, लगभग अपना 1 के करीब गया है, 1,00,000 के करीब। हाँ, नहीं, उन्होंने कपड़े, मतलब जीन्स वगैरह तो कोई कुछ सामान लेके नहीं गए, वो सिर्फ कैश लेके गए हैं। लगभग 1 के करीब कैश थे अपने। हाँ, 3 लोग थे वो, कैमरे में दिखे अपने क्लियर। हाँ, बाहर में 1 जन दिख रहा है उसमें और अंदर 2 जन आए थे, बाहर में 1 खड़ा था। उम्र तो मतलब तकरीबन वो 30 के करीब ही है, पूरे 25-30। हाँ हाँ भैया, हाँ उनका तो चालू है, मैम वगैरह आई थी अभी तहसील के, उन्होंने फुटेज वगैरह लेके गए हैं वो, और कार्रवाई चालू है उनकी। क्या
तो यही कहना चाहेंगे कि उनको जितने जल्दी पकड़ सके, क्योंकि अपने साथ हुआ है आजकल, किसी और के साथ नहीं होने को होना है ना। लगभग 8 दुकान बता रहे हैं पुलिस वाले, तहसील वाले बोल रहे हैं कि 8 दुकान में चोरी हुई है। 17 अप्रैल 2022 को अचलपुर में और 12 और 13 नवंबर को अमरावती में सांप्रदायिक दंगे हुए। इस समय से पूरे महाराष्ट्र में सांप्रदायिक तनाव का माहौल बना हुआ है। अचलपुर अमरावती में जो दंगे हुए उनकी सत्यता खोजने के लिए एक सत्य शोधन समिति इन जगहों का दौरा करने वाली है। ऐसी जानकारी मैत्री परिवार के संजय भेंडे ने पत्र परिषद के दौरान दी। तो आज के इस प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।